तो आज गणपति हर घर में स्थापित हो रहे हैं और आप देख रहे होंगे ये भी बड़े उत्साह के साथ ग्वालियर। आज गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते भारत दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और मैं आज कल रात को हम लोग जब हाईवे पर मैं जा रहा था तो यहाँ पर मुझे जगह नहीं मिल रही थी, पर एक भैया मिले थे जिन्होंने मुझे जगह दी। और कल हम इस आश्रम में ठहरे थे, और इस आश्रम की क्या है खासियत? तो गाइज मैं पहले ब्रश कर रूँ, क्योंकि ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह अगर आप उठते हैं और ब्रश नहीं करोगे तो ताजगी नहीं आएगी। तो फिलहाल हम यहाँ से ब्रश करने के बाद चाय पीने जाएंगे बाहर के एरिया में, देखते हैं चाय कैसी मिलती है यहाँ पर। तो दोस्तों आश्रम के सामने ये लारी है जहाँ पर मैं आया हूँ। फिलहाल मैं तो यहाँ पर चाय पीऊँगा, और चाय पी के फिर मुझे आगे जाना है। सो फिलहाल चाय का मज़ा लेते हैं। यहाँ पर चाय छोटी मिलती है, बड़ी नहीं मिलती, और बाकी तो नाश्ता मिलता है। देख रहे हैं आप, काफ़ी सारे नाश्ते मिलते हैं। चाय का मज़ा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। तो आज गणपति हर घर में स्थापित हो रहे हैं, और आप देख रहे होंगे ये भी बड़े उत्साह के साथ ग्वाल वालों की टोली गणपति लेके जा रही है। और ये कर्नाटक में गणपति का जोश। नमस्ते, और आज सभी लोगों को, पूरे देश को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पर भी एक दावणगेरी के एक स्कूल में, जो कि आश्रम वीरेश्वर पुण्य आश्रम, वीरेश्वर पुण्य आश्रम में जहाँ मैं पहुँचा हूँ, पुट राजा गवायगढ़ आश्रम, दावणगेरे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, क्योंकि मैंने अपने नाम बताया आपको, और उस आश्रम में गणेश जी की स्थापना हुई है। तो आज यहाँ पे हमें एक पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं करता, ओके, बहुत स्वतंत्र जी, कैसे जी का, हाँ जी सर, संगीत भी और राइटिंग भी। जो पूजा करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए, और ये सभी लोग अपनी प्रार्थना करने के बाद ही खाना खाते हैं। ये सभी ब्लाइंड लोग हैं जो कि बहुत अच्छे से संगीत कितना अच्छा है ये समझ लीजिए, खुद ही प्रैक्टिस करते हैं। इनके जितने भी गुरुजी हैं सभी ब्लाइंड हैं, और उन्होंने ही इनको एक रास्ता दिखाया कि कभी भी आप अगर ब्लाइंड हैं तो आप भीख के मांग रास्ते पे नहीं जाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। आपके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए जिससे कि दुनिया आपको ऐसा समझे कि हाँ आप अपने आप में कुछ कर सकते हो। तो गाइस गुड इवनिंग, आज हम आए हैं अभी मैं आया हूँ एक चाय की दुकान पे। फिलहाल आज पूरे दिन गणेश चतुर्थी थी, और तो गाइस चाय तो पी ली है, और चाय पीने के बाद हम चले हैं अभी दावणगेरे के इस हाईवे पे हूँ। तो दावणगेरे एजुकेशन के मामले में कर्नाटक में काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे बड़ी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं। तो यहाँ की जो खासियत है वो है पढ़ाई के लिए। तो
दूर दूर से लोग दावणगेरे में आते हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए। तो दावणगेरे की एक सबसे अच्छी खासियत कि अगर आप कर्नाटक में कहीं हैं तो दावणगेरे में आपको स्टडी बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। और आज गए दोस्तों, हमारे पास हमारी बसंती नहीं है, हम बिना बसंती के ही निकल पड़े हैं क्योंकि हमें चाय पीनी थी। तो मैंने कहा चलिए बिना बसंती के निकला जाए क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है और इस ड्रेस में बसंती को नहीं चला सकता। तो चला सकता हूँ, हाँ इस ड्रेस में भी बसंती को चला सकता हूँ, पर हाँ मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूमा जाए सिटी को। तो सिटी को थोड़ा सा घूमने के चक्कर में मैं ऐसे ही निकल पड़ा और फिलहाल हम चाय पी के आगे की तरफ जा रहे हैं। और आगे क्या है खास वो भी आपको ब्लॉग में भैया के द्वारा चाय पिला दी गई है और कल इन्हीं के द्वारा जगह दी गई थी जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। और गणेश जी की आरती होने के बाद इन सभी की मौज मस्ती शुरू हो गई, कौन कहेगा कि ये ब्लाइंड है। और दोस्तों सच बताऊं तो इनकी जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी जीने के लिए जिंदा दिल ही चाहिए। सांबर, सांबर के साथ है ये गुजिया और यहाँ पे बोला जाता है इसको कजिकाई। और कन्नड़ में गुजिया को कजिकाई बोला जाता है। तो ये कजिकाई है और ये सांबर, सांबर के साथ है पुलाव। तो ये दोनों मिक्स करके खाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम खाना खा लेते हैं। खाना वाना हो गया, इनके साथ डांस वांस हो गया, मस्ती हो गई। और ये देख रहे हैं सारे के सारे बैठे हैं अपने दोस्त यार, और ये लोग बड़ा मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। और इस आश्रम की खासियत है कि ये 4 से 5 घंटे संगीत सीखते हैं और संगीत सीखने के बाद ये पूरा टाइम दोपहर में आराम करते हैं और उसके बाद ये एंजॉय करते हैं। तो इनको मैं पूछता हूँ कि आज इनको मेरे साथ कैसा लगा। मैं तो पूरे भारत में घूमता रहता हूँ, तो फिलहाल ये जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तो तुम लोगों को कैसा लगा आज, सच बताओ मेरे को, मेरे साथ कैसा लगा आज आप लोगों को, कैसा लगा भैया? अच्छा लगा। क्या क्या नाम है आप, क्या क्या नाम है आप? भाग्यवंत। भाग्यवंत, और आपका नाम? गंगाधर। और आपका नाम? वीरेश। वीरेश के बगल से कौन बैठा है? रवि। रवि के पीछे कौन बैठा है? वरेश्वरा है। और ये कौन है आपका नाम? यलगुरेश। और आपका नाम? नित्यानंद। अभिषेक। और भाई तुम्हारा नाम? गणेश। गणेश को तो आपने देखा ही होगा, और गणेश बड़ा ही मस्ती, और सबसे 20 साल की एज है गणेश की। गणेश खड़े हो जाओ, गणेश की एज 20 साल की है, पर छोटा गणपति है हमारा। और इस आश्रम का सबसे नटखट और कहेंगे कि सबसे ज्यादा शरारती बच्चा कौन है, तो फिर सबसे पहला नंबर गणेश का है। तो दोस्तों एक और इन बच्चों की खास बात है कि ये सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे से इनकी संगीत की क्लास शुरू हो जाती है। रियाज करते हैं, रियाज जो की संगीत की क्लास शुरू हो जाती है सुबह 4 बजे। इनके जो गुरुजी थे, जिन गुरुजी ने ये आश्रम की स्थापना की, वो भी ब्लाइंड थे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, पर उनका एक उद्देश्य था कि जो भी मतलब जब वो ब्लाइंड पैदा हुए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में एक उद्देश्य बनाया था कि जो भी मेरी तरह होगा तो वो व्यक्ति कभी भी अपने आप को ब्लाइंड नहीं समझेगा और वो भीख नहीं मांगेगा, किसी स्टेशन पर नहीं जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो उनकी एक सोच थी कि ब्लाइंड है या फिर हैंडीकैप्ड है, वो लोग अपने आप को असह महसूस करते हैं। पर इनके जो गुरुजी थे, जिस आश्रम की नींव रखी गई, ये उनका मंदिर है मेरे पीछे, आप ये मंदिर भी देख पा रहे होंगे। तो उनकी एक सोच थी कि जो भी ब्लाइंड है उन सबके लिए मैं एक आश्रम बनाऊंगा और वहां पर उनको संगीत की पाठशाला, संगीत है, ड्रॉइंग है, जो भी जो क्षेत्र में जाना चाहता है और उसमें जाएगा। कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये ब्लाइंड फैमिली का परिवार। आज की रात ये ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते भारत। आप सभी लोग मिलके बोलो नमस्ते भारत। नमस्ते भारत। नमस्ते भारत।